सिफ्ट कौर समरा का जन्म 9 सितंबर 2001 को पंजाब के समरा गोत्र के एक जाट परिवार में हुआ था। उनके माता पिता फार्मिंग परिवार से हैं और वे चावल छिल्लाई के बिजनेस में हैं। उन्हें उनके कजिन सिखों ने बनाया शूटिंग के साथ, जो एक शॉटगन शूटर थे, जिन्होंने उन्हें पंजाब के एक शूटिंग रेंज ले जाया जब वह 9 साल की थी। उन्हें इस खेल में दिलचस्पी आई और वे नियमित रूप से प्रैक्टिस करने लगीं। सिफ्ट ने फरीदकोट के GGS मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स छोड़ दिया ताकि वह शूटिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकें। वर्तमान में वह गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में अमृतसर से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स कर रही हैं। उन्होंने डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में मिसेस दीपाली देशपांडे के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए कई मेडल जीते। सिफ्ट की शूटिंग की यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने 2022 में नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने अपने कौशल और सटीकता से सबको प्रभावित किया और उन्होंने उसी साल में ISSF वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। वह ISSF वर्ल्ड कप में अपने डेब्यू में महिला 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने फाइनल में 5वें स्थान पर 429.1 स्कोर के साथ पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई हो गईं। सिफ्ट ने अपनी शूटिंग की यात्रा में कई चुनौतियों और मुश्किलों का सामना किया। उन्हें अपने पढ़ाई और शूटिंग को संतुलित रखना पड़ा, जो आसान नहीं था। उन्हें पंजाब में शूटिंग के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा। उन्हें ट्रेनिंग और कंपटीशन के लिए दिल्ली जाना पड़ा, जो कि महंगा और समय लेने वाला था। उन्हें अपने परिवार और प्रशंसकों के दबाव और उम्मीदों का सामना भी करना पड़ा। सिफ्ट की करियर में बदलाव का समय तब आया जब वह हांगझो चीन में 2023 के एशियन गेम्स में भाग लिया। उन्होंने ब्रिटेन की सियोनेड मैकिंटोश द्वारा रखी गई विश्व रिकॉर्ड को 2.6 अंकों के फर्क से तोड़ दिया। समरा ने कुल मिलाकर 469.6 अंक हासिल किए, जिसमें घुटने पर 184.6, प्रोन पर 177.9 और खड़े होकर 187 अंक थे, ताकि वह चीन की क्योंग युए झांग को हरा सकें। उन्होंने महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और यह भारत की पहली व्यक्ति बन गई। उन्होंने महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस टीम इवेंट में आशी चौकसे और मनिनी कौशिक के साथ सिल्वर मेडल भी जीता। सिफ्ट की सफलता की ओर की यात्रा मेहनत, समर्पण, प्यार और सहयोग से भरपूर है। उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे बेहतरीन शूटरों में से एक साबित किया है और भारत को गौरव दिलाया है। उन्होंने कई युवा लड़कियों और लड़कों को शूटिंग को खेल के रूप में अपनाने और अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा दी है। उन्हें अपनी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं, जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। वह अब पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए तैयारी कर रही है, जहां वह भारत के लिए और भी मेडल जीतने की आशा करती है।